तो लास्ट टॉपिक है हमारा, ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन एन आइडियल गैस। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ठीक है, क्लियर। केवल एक ही सिंगल टॉपिक रहता है हमारा, बाकी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमें क्या बताता है? ये बताता है जो हमारे गैस का सैंपल, मान लिया हमारे पास एक कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने गैस मॉलिक्यूल्स बना दी, साइज बड़ा बन गया, वैसे तो पॉइंट साइज होते हैं। मॉलिक्यूल्स बना दिए हमने बहुत सारे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटी किस रेंज में होगी? ठीक है, अगर इसका सैंपल का टेम्परेचर टी है, ठीक, तो जो सैंपल है अंदर गैस का, कितने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी किस रेंज में होगी, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा। ठीक है, मान लिया N1 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है V1, N2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, V2, ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका अलग अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, टोटल नंबर क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर तो है N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पे? N है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सब ग्रुप्स का जो अलग अलग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिकुलर वेलोसिटीज। ठीक है, ये अब बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी की एजम्पशंस पे। एजम्पशंस क्या क्या थी काइनेटिक थ्योरी की? जो वेलोसिटी से रिलेटेड है वो क्या है, कि जो सारी वेलोसिटीज है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। जो एजम्पशंस थी उनको हम एक बार से रिइटरेट कर लेते हैं। क्या क्या थी एजम्पशंस वेलोसिटी से रिलेटेड? Vx, Vy एंड Vz आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी वेलोसिटी से रिलेटेड। ठीक है, और एनर्जी इज कंजर्व। मींस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजंस। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? रैंडमनेस है, कंप्लीट रैंडमनेस है ना। और जो मास है वो हमने जीरो माना हुआ है। ठीक, मासलेस यूनिट साइज के पार्टिकल्स हैं, पॉइंट साइज के सॉरी, है ना। तो जो ग्रेडियंट है वेलोसिटी का, वो बॉडी में क्या है, जीरो है, कोई भी नेट ग्रेडियंट नहीं है वेलोसिटी का, जब तक कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स का मतलब है कि इस गैस के अंदर भी प्रेशर ग्रेडियंट होगा। ठीक, यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे P2, जब तक कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा तब तक एक प्रेफर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी की नहीं होगी। ठीक है ना, जब तक भी प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है तब तक रैंडम वेलोसिटी रहेगी इसमें। अगर प्रेशर लगने लगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्रेशर की डायरेक्शन में। ठीक है,
इस तरह से जो है ये एजम्पन्स हमारी डिफाइंड है। तो इन एजम्पन्स के बेस्ड में, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बहुत फालतू का डेरिवेशन है, ठीक है। तो सीधे जंप करते हैं रिजल्ट्स पे, क्योंकि तो वैसे भी थ्योरी तो हम लोग को लिखनी है, तो सीधे जंप करते हैं कंक्लूजन्स पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वेलोसिटीज का, उसको देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस तरह का दिखाई देता है, डी एन वी, ठीक है। डी एन वी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद वेलोसिटी डी वी, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा दिखता है? एन ए क्यूब, ए यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। वी स्क्वायर e टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है। एंड जो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी रेंज है वो क्या है? डी वी, ठीक। ये एक्सप्रेशन है आपका मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें टर्म्स जो है उनको डिफाइन कर लेते हैं, कौन सी टर्म क्या बता रही है। पहली बात, ये दोनों कांस्टेंट है। एन इक्वल्स टू क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ए एंड बी ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे कैसी आती है। ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। डी एन वी ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज, इन द वेलोसिटी रेंज, पार्टिकल्स कह लें या फिर मॉलिक्यूल्स कह लें, ठीक है। इन द वेलोसिटी रेंज ये जो दी हमने डी वी, ठीक है। वी प्लस डेल्टा वी, अगर कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी वी है तो कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है? वी प्लस डेल्टा वी। तो ये जो डेल्टा वी रेंज में जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? डी एन वी, ठीक है ना। अगर एन वन पार्टिकल्स की वेलोसिटी वी थी, और वी प्लस डेल्टा वी कितने पार्टिकल्स की वेलोसिटी है? एन वन प्लस डी एन वी, ठीक है। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा, इसमें दो टर्म्स हैं बेसिकली, वेलोसिटी डिपेंडेंट दो टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स है? पहली क्या है? वी स्क्वायर, ये लो, अच्छा नहीं लग रहा है। पहली टर्म है वी स्क्वायर, है ना। और दूसरी टर्म कौन सी है? एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है। ये वेलोसिटी डिपेंडेंट दो टर्म्स हैं। तो जो पहली टर्म है वी स्क्वायर, ये डोमिनेट करेगी एट लोअर वैल्यूज, डोमिनेट्स एट द लोअर वैल्यूज ऑफ वी, ठीक है। इस फंक्शन में जब हम वेलोसिटी की कोई अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो वहीं से तो हमको डी एन बी मिलेगा ना। तो वी की वैल्यू जब हम पुट करना शुरू करेंगे जीरो से, ठीक है। तो जीरो से जाते जाते इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, है ना। तो जीरो पे कौन सी टर्म डोमिनेट कर रही है? जीरो के आसपास वी स्क्वायर स्मॉल वैल्यूज के लिए। और जब हम हायर वैल्यूज की तरफ जाएंगे तो कौन सी टर्म डोमिनेट करेगी? माइनस बी वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल वाली, ठीक है। डोमिनेट्स एट द हायर वैल्यूज ऑफ वी, ठीक है। इस फंक्शन की हम फिजिकैलिटी को चेक कर लेते हैं, ये फंक्शन फिजिकली वैलिड है भी या नहीं, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कि कोई भी पार्टिकल स्टैटिक तो होगा नहीं। तो v इक्वल्स टू जीरो के ऊपर डी एन वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए।
टेम्परेचर फाइनाइट है, इसलिए सारे पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसलिए जीरो वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स कितने होंगे? जीरो पार्टिकल्स, ठीक। इसलिए डी एन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी ना, वी स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई? जीरो। तो वी स्क्वायर वाली टर्म जीरो होने से क्या हो जाएगा? डी एन वी इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है? एट वी इक्वल टू इंफिनिटी, वी इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी। क्या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है? बताओ, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है क्या? फिजिकली इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, सिंपली, है ना। तो इस फंक्शन में देखो, जब हम लोग वी इक्वल टू इन्फेनाइट पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, वी स्क्वायर वाली। वी स्क्वायर टर्म अप्रोचेस इन्फिनिटी, वी स्क्वायर अप्रोचेस इन्फिनिटी, बट एक्सपोनेंशियल माइनस डी वी स्क्वायर ये किसको अप्रोच करेगा बेटा? एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? डी एन बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमारा निकल के आया है ये फिजिकली एकदम वैलिड है, ठीक है, क्योंकि जीरो वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स भी जीरो हैं और इनफाइनाइट वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स का नंबर भी क्या है? जीरो, ठीक। इसलिए इसलिए हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये जो फंक्शन है हमारा ये फिजिकली वैलिड नहीं है, इसमें कोई भी फिजिकल फ्लॉ नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो डीवी है वो बेसिकली क्या है? अगर हम वेलोसिटी स्पेस की बात करें, वेलोसिटी स्पेस, वेलोसिटी स्पेस मतलब वी एक्स वी वाई वी जेड। एक सेकेंड, हाँ ये शटडाउन हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो वेलोसिटी स्पेस की बात कर लेते हैं। वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है। तो वेलोसिटी स्पेस के अंदर ये डीवी कैसा दिखेगा? ये जो डीवी है ये एक्चुअली क्या है? डीवी इज बेसिकली डीवी एक्स इंटू डीवी वाई इंटू डीवी जेड, यही मतलब है ना डीवी का, क्योंकि वी के अंदर तीनों पार्ट्स हैं, वी एक्स वी वाई एंड वी जेड, ठीक। तो अगर हम वेरिएशन देखें वेलोसिटी वी से डीवी की तरफ, ये वेलोसिटी है वी और ये वेलोसिटी है वी प्लस डीवी, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बना सकते हैं? सर्किल बना सकते हैं, ठीक। पहला सर्किल रहेगा वी के अराउंड, सर्किल नहीं बेसिकली ये स्फीयर है 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो पहला स्फीयर हो गया वी के अराउंड, और सेकंड स्फीयर किसके अराउंड हो जाएगा? वी प्लस डीवी के अराउंड, ठीक है। ये सेकंड स्फीयर हो गया, तो ये जो वैल्यूज हैं यही वैल्यूज क्या है? डीवी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में इसको हम किस तरह से पुट करेंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लेते हैं इसको? डीवी की जगह पे क्या आ जाएगा? लास्ट सेमेस्टर में हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, तो डीवी को अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट की तरह लें,
डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर साइन थीटा डीवी डी थीटा डी फाइव। ये साइन याद आ रहा है किसी को? डी आर इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, यही था ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो यहां से डीवी क्या मिल जाएगा, साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। ये चारों टर्म, ये तीनों टर्म मिलके आपस में क्या बना रहे थे, अगर आपको याद होगा 4 पाई मिलता था इनसे हमें, ठीक है। डी फाइव वाली टर्म से क्या मिलेगा, 2 पाई, क्योंकि फाइव वाला हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, 2 पाई स्पेस, ठीक। और साइन थीटा से क्या मिल जाता था, 2 मिल जाता था, क्योंकि कॉस थीटा बनेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 to π, तो कॉस 0 1 और कॉस पाई -1, 1 माइनस माइनस 1, तो वो 2 बन जाता था। 2 × 2π क्या होता था, 4π, ठीक है। मैं ओरली समझा रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में ही किया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। तो ये टर्म बन जाएगी 4π वी स्क्वायर डी वी, ठीक है। ये डी वी वैक्टर था बेसिकली, और ये जो डी वी है ये उसका मैग्नीट्यूड है। इस डी वी को इस डी वी से कंफ्यूज नहीं करना है, क्लियर। ऊपर भी इसका जो है वेलोसिटी पे एरो लगा देते जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, वेक्टर है वो, ठीक। तो बेसिकली फंक्शन किस तरह से दिखने लगेगा, डी एन वी इक्वल टू 4π एन ए क्यूब वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर डी वी, ठीक है। ये बन गया मॉडिफाई होके हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मेन पॉइंट क्या है इसमें, मेन पॉइंट है केवल दो टर्म्स हैं, वी स्क्वायर और एक एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है। यह है इसका टेक अवे पॉइंट, ठीक। तो अगर हम इसके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इसकी आती है बी इक्वल टू, इसको निकाल के दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आती है एम अपॉन 2 kBT, और ए की वैल्यू आती है अंडर रूट एम ओवर 2π kBT, ठीक है। ये आती है कॉन्स्टेंट्स ए और बी की वैल्यू, इनको हम वापस से पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, डी एन वी इक्वल टू 4π n एम अपॉन, ये ए की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, 2π kBT, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक। वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के अंदर किसकी वैल्यू पुट करनी है, बी की, एम ओवर 2 kBT, ये हो गया बी का वैल्यू। फिर से बंद हो रहा है शायद, क्या हो गया आज, एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओवर 2 kBT, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर, और फाइनली बाहर क्या मिल गया, डी वी, ठीक है। तो ये हो जाता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हो गया कंप्लीट फंक्शन। अब इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट वगैरह कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको ये दो टर्म ध्यान रखनी है कि इसमें एक वी स्क्वायर की टर्म आती है
और एक एक्सपोनेंशियल माइनस वी स्क्वायर की टर्म आती है। ठीक है, वी स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पे डोमिनेट करेगी? लोअर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी पे, और जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो कहाँ पे डोमिनेट करेगी? हायर वैल्यूज पे। ठीक है, तो इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। प्लॉट करने में कैसा दिखाई देगा इसको देखते हैं। इधर ले लिया वेलोसिटी और इधर ले लिया डी एन वी। ठीक है, अच्छा एक वेरिएबल और दिख रहा है यहाँ, टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर पे ध्यान गया आपका, टेम्परेचर और है यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर किस तरह से रोल प्ले करता है उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हम मान के चलते हैं कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर भी एक, अगर हमारा गैस किसी कंटेनर के अंदर है तो उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखाई देगा उसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लॉट है हम लोगों ने देखा था, जीरो वेलोसिटी पे कितना था डेंसिटी? जीरो था। और इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा वहां पे भी कितना होगा? वहां पे भी जीरो हो जाएगा, बाद में जाके इन्फिनिटी पे होगा, तो यहाँ पे नहीं बनाते इसको, आगे कहीं जाके जीरो हो रहा होगा इस तरह से, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो होता है ना? तो फंक्शन ही आपका इस तरह का आता है, पहले वी स्क्वायर डोमिनेट करेगा तो इस तरह का रहेगा, बाद में जब एक्सपोनेंशियल डोमिनेट करता है तो इस तरह से डिके करता है। ठीक है, ये दो फैक्टर समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस वी स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ये है हायर वैल्यूज और ये है लोअर वैल्यूज। ये समझ में आया आपको रफ आइडिया? इस रफ आइडिया के बेस पे हम लोग अपना फंक्शन प्लॉट करें। तो फंक्शन हमारा इस तरह का बन जाएगा, शुरू में एक्स स्क्वायर टाइप का, उसके बाद में कैसा हो जाएगा? ठीक है, मान लिया इसका टेम्परेचर था 300 केल्विन, टी इक्वल टू 300 केल्विन। मेरा एक सेकेंड, मैं होल्ड करना जरा, अभी आता हूँ। ऑडिबल? ठीक है, वो जरा कोरियर से कुछ सामान आ गया था तो जाना पड़ा। चलो एज्यूम कर लिया कि ये टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन। ठीक, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ होगा क्या बेसिकली? आप गैस करो कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है? किसी भी कंटेनर के अंदर गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उस कंटेनर को मैं गर्म करना स्टार्ट करूं तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना? वेलोसिटी बेसिकली क्या होगी? इंक्रीज होगी।
वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो आपका मीन आ रहा था, ये जो मैक्सिमा आ रहा था है ना, ये मैक्सिमा अभी इस वैल्यू पे था वी वन पे, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ये जो मैक्सिमा आ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी थी वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी है ना, एवरेज वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो पीक है ये किस तरफ में शिफ्ट हो जाएगा, पीक शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ में, हायर वेलोसिटी की तरफ में, ठीक है। लेकिन राइट में शिफ्ट होने से क्या होगा, क्योंकि हमारे जो पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड होने की वजह से क्या होगा, ये पीक थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना, ये पीक जो है थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी थी वो हायर की तरफ जा रही, ठीक। इसलिए ये पीक थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा और थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लिया मैंने टी इक्वल टू 400 केल्विन, ठीक। किसी और वेलोसिटी पे चेक कर लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी कह रहे, टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो पीक और आगे बढ़ चला जाएगा और ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लिया मैंने टी इक्वल टू 400 केल्विन, ठीक है ना। और अगर टेम्परेचर 300 से कम होगा तो क्या होगा, 300 से कम होने पे इस तरफ आ जाएगा पीक और ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा क्यों हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है। ये जो पीक के नीचे का एरिया रहना है, टोटल कर्व के नीचे का एरिया वो कैसा रहना चाहिए, फिक्स, ठीक है ना। ये हो गया डी एन बी ओवर डी बी रहेगा, ये फंक्शन है एफ इक्वल टू डी एन बी ओवर डी बी। इस डेंसिटी को जब आप इस वेलोसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर डी एन बी मिलेगा। उसको इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, कर्व के नीचे का एरिया वो क्या देगा आपको, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, इसलिए एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट, बिकॉज इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ, यहां पे नहीं लिखते इसको, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे बाद में देखने में कंफ्यूजन होगा। समझ में तो आ गया ना, इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं तब थोड़ा बेहतर रहेगा। पीक भी बना देते हैं, फिर से बंद हो रहा है क्या, अरे यार से क्लियर हो जाएगा कि पीक आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक। ये हो गया वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, ठीक है। इसके टेक अवे पॉइंट्स लिख लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। पहला पॉइंट है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, विद हायर वेलोसिटी, सॉरी हायर टेम्परेचर द पीक शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, राइट का मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं हायर वेलोसिटीज,
ठीक है ना, एंड इट गेट्स वाइडर, ठीक है ना, वाइडर एंड फ्लैट, ठीक है, फैलता जा रहा है और फ्लैट होता जा रहा है। लोअर टेम्परेचर पे कैसा था, एकदम से ऊपर की तरफ गया, पहाड़ जैसा दिख रहा है, ऊपर की तरफ जाके सीधे नीचे आ जाता है। यह है लोअर टेम्परेचर पे बिहेवियर, ये जो ब्लू वाला बनाया हुआ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीक आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और थोड़ा सा फ्लैट होता जा रहा है ना, जो उसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। समझ आ गई बात, पॉइंट टू क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, वी इक्वल टू जीरो एंड वी इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, जीरो, ठीक है, सो द फंक्शन इज फिजिकली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने बना दिया तो इसका मीन भी निकाल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल सकते हैं और आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन से हम लोग तीनों वेलोसिटीज निकाल लेंगे, तीन वेलोसिटीज निकालेंगे यहां से, वी आरएमएस, सॉरी वी मीन, मीन वैल्यू जो है ना, मीन वैल्यू कहाँ पे होगी, पीक के आसपास ही होगी जहां पे सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, एंड वी मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो वेलोसिटी कौन सी, ठीक है। ये तो हम लोग देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये अपने आप में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पीक का वैल्यू है वो जिस वेलोसिटी पे है वही वेलोसिटी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना ये, इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव का जहां पे मैक्सिमा आएगा वही क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। समझ आई बात, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज, एवरेज या फिर मीन, वी मीन या फिर वी एवरेज, ठीक है। इसका वैल्यू किस तरह से निकाला जाएगा, जीरो से इंफिनिटी जाएगा, वी डी एन वी जो हमारा फंक्शन था, पार्टिकल्स का फंक्शन था जो वेलोसिटी वाला डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको ऊपर इंटीग्रेट करेंगे वी से मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वी की मीन, मीन वैल्यू निकालने के लिए। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टोटल फंक्शन जीरो टू इंफिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, वन बाई एन जीरो टू इंफिनिटी वी डी एन वी, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाता है अंडर रूट एट के बी टी ओवर पाई एम, ठीक है। 8 को डिवाइड करोगे पाई से तो क्या मिल जाता है, 2.55 के बी टी ओवर एम, ठीक है। ये है मीन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, ठीक। जो सारे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग जो वेलोसिटीज हैं उनका जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो है ये 2.55 के बी टी ओवर एम, ठीक है ना। ये मीन हो गया। सेकंड निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जो मोस्ट प्रोबेबल है वीपी, ठीक। इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा,
सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, डी एफ वी ओवर डी वी इक्वल टू जीरो करके, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं कि नेगेटिव आना चाहिए, डी स्क्वायर एफ वी ओवर डी वी स्क्वायर, ये क्या आएगा, नेगेटिव फॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमम आ रहा है, एफ वी फंक्शन कौन सा था, ये वाला फंक्शन जिसको हमने अभी प्लॉट किया है, डी एन वी ओवर डी वी, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी इन वेलोसिटी स्पेस। जैसे वॉल्यूम स्पेस होता है वैसे ही वेलोसिटी स्पेस, डी एन ओवर डी वी, नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा मैक्सिमा पे, तो इससे हम जीरो को जब पुट करेंगे तो वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिल जाती है, वी पी इक्वल टू 2 KBT बाई एम अंडर रूट। ठीक है ना, थर्ड बचता है आरएमएस। आरएमएस तो हम लोग वैसे भी निकाल चुके हैं, और यहां से उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है। आरएमएस वैल्यू बेसिकली क्या होगी, वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से वी आरएमएस की वैल्यू निकल के आती है 3 KBT बाई एम। ठीक है, तो तीनों तरह की वेलोसिटीज में किस तरह का रिलेशन है, वी आर एम एस क्या था, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3 KBT बाई एम। ठीक है, वी मीन इसकी क्या वैल्यू है, अंडर रूट 2.55 KBT बाई एम, और वी मोस्ट प्रोबेबल की क्या वैल्यू है, अंडर रूट 2 KBT बाई एम। तो ये रिलेशन दिख रहा है आपको, आरएमएस सबसे ज्यादा, उससे कम मीन, और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है ना, वी आरएमएस सबसे ज्यादा, उससे कम मीन, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल, ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, इसी तरह से जब हम मीन एनर्जी निकालते तो वो हमारी आई थी 3 KBT/2, 3/2 KBT आई थी ना, मीन एनर्जी कितनी आई थी, 3/2 KBT। ठीक, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, ये सिलेबस का पार्ट है नहीं लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ही लें, कुछ पता थोड़ी है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है उसका वैल्यू है ई पी इक्वल टू, हाँ सॉरी, KBT/2। अच्छा, KBT/2 कोई और एनर्जी भी होती है ना, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी, 1 KBT/2 किया था ना, भूल गए क्या, इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी कल पढ़ा था ना,
सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के पास कितनी कितनी एनर्जी होती है, केवीटी बाई टू, ठीक है। तो वही केवीटी बाई टू भी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी है, ठीक है। ये केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वही एनर्जी है, ये मोस्ट प्रोबेबल अलग है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की अलग है, लेकिन वैल्यू सेम आ रही है दोनों, केबीटी बाई टू, ठीक। तो जो टेक अवे पॉइंट है आज के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो ये सारे एक साथ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है मेन, ठीक। और दूसरा ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए प्लॉट के बाद, ये मेन पॉइंट्स हैं आज के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। एरिया किस तरह से कंजर्व रहता है, कर्व किस तरह से फ्लैट होता जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, पीक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता जाता है ना, टुवर्ड्स हायर वेलोसिटी, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप। और दूसरी चीज, लोअर वेलोसिटीज पे डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, वी स्क्वायर, और हायर वेलोसिटीज पे डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, एक्सपोनेंशियल माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे वर्थ रिमेम्बरिंग है, बाकी तो ट्रिवियल सा है सब कुछ, ठीक। तो ये हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी कंप्लीट। कल हम लोग इस यूनिट के सारे पॉसिबल जो भी एमसीक्यूज हैं वो निपटा देंगे, और साथ में जो हमने लास्ट यूनिट किया था मल्टीमीटर और सीआरओ वाला, वी आरएमएस एंड वी मीन नहीं समझ आया। वी मीन बेटा जैसे प्रोबेबिलिटी दी होती ना, एक सेकंड, ये एक बेटा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक। जैसे आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसके साथ में आपको अगर एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है, उसके साथ में आपको अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जैसे एक्स का एवरेज वैल्यू निकालना है मुझे, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, यह है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके रेस्पेक्ट में मुझे एक्स का एवरेज वैल्यू निकालना, ठीक। इस फंक्शन की क्वालिटी क्या होगी, ये फंक्शन कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। यहां पे कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, वो n, ठीक। तो इसका मीन वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, x बार इक्वल टू इंटीग्रल, यहां पे अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे और fx आ जाए, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ fx, यहाँ पे dx कर सकते हैं चाहे 0 टू इंफिनिटी, ये भी हो गया 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये बेसिकली था क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिया था हमने यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, ये है एक्चुअली में 0 टू इंफिनिटी v एफ वी डी वी, एफ वी की जगह पे क्या है, डी एन वी ओवर डी वी, ठीक है। यह है आपका डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन कह लो या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह लो। अब जैसे मुझे वी स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, अरे कहाँ यार प्रोजेक्ट पे चलेगा, कहाँ दिमाग चलता रहता तुम लोग, एक आदमी डाउट पूछ रहा है तुम प्रोजेक्ट पे जाओ। अगर x की जगह पे मुझे x स्क्वायर बार निकालना है, इसको उठा के नीचे ले आते हैं, रुको, अरे यार
ये जवाब बेटा मैथ्स में प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ोगे ना, वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको डेंसिटी फंक्शन भी बोलते। ठीक है, इसके टर्म्स में अगर आपको एक्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रहता है। अब कोई बोलते एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो जो अंदर हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया था वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, तो जो आर एम एस वैल्यू बेसिकली हमने निकाली है वो कैसे निकाली है, इसी फॉर्मूला से हमने पहले क्या निकाल लिया, वी स्क्वायर बार, यहां से हमने क्या निकाला, वी स्क्वायर बार निकाला और उसका अंडर रूट ले लिया, यही क्या हो गया, वी आर एम एस। समझ आया अभी ना? ये थोड़ा सा आपको शॉर्टकट लग रहा है क्योंकि आपने अभी मैथ्स में आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़े नहीं, प्रोबेबिलिटी अभी कवर नहीं हुई होगी ना, या हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो ये एकदम जरूर आएगा वहां, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वहां पे आएंगे, इसको डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से आएगा आपका आर एम एस वैल्यू, पहले वी स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकाला इस तरीके से, फिर उसका अंडर रूट ले लिया, तो ये क्या बन गया, वी आर एम एस। ठीक है, निकाल के इसके नहीं दिखा रहे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो आना नहीं है, तो फालतू में क्यों लोड दे दिमाग पे आपके। डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, वही याद रह जाए बड़ी बात है ना। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, एमसीक्यूज में बना के आपको एक बार सेंड भी कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस यूनिट के और यूनिट नंबर 8 के। ठीक है, 2 यूनिट्स के एमसीक्यू करेंगे कल, यूनिट 3 एंड 8। ये है काइनेटिक थ्योरी वाली और ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाली, जिसमें था आपका मल्टीमीटर और सीआरओ। इसके तो 5-7 ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो बाय, और रिवीजन कर लेना इसका, प्रोजेक्ट बेटा कौन सी बात कर रहे हो, मेरे प्रोजेक्ट की बात समझ में नहीं है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं ये कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ इसलिए मैंने बनवाया है जिससे कि एक बार में पूरी क्लास को हेल्प हो जाएगी, है ना, एक दिन में सब लोगों को सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएंगे। बाकी इसको आप मार्क्स के बेस पर मत लो, प्रोजेक्ट फाइल आपकी शायद उसमें बनती है, मैथ्स वगैरह में बनती है, यहाँ नहीं बनती। और बाकी मुझे अभी किसी ने नाम नहीं दिए, 4 एक्सपेरिमेंट्स बचे हुए हैं, किसी का नाम नहीं आ रहा मेरे पास। और माही तुम्हें नहीं करना प्रेजेंट, बोलो। बन गया तो बताओ भी तो सही, बताया कहाँ तुमने अभी तक, जो प्रेजेंट करने वाला है मुझे उसका नाम भेज देना। ठीक है, चलो बाय बाय।